Hello everyone, in this video lecture of Digital Electronics, I am going to discuss how we can convert POS expression into SOP expression and how we can convert SOP expression into POS expression. तो इसके लिए मैंने दो questions लिए हैं, दोनों question को हम discuss करेंगे और ये दो अलग तरह के questions हैं, ठीक है? तो एक में आप, you can see कि first question is implement the minimized POS expression for the given function. First question, इसमें क्या लिखा है? Implement the minimized POS expression for the given फंक्शन एंड ये जो फंक्शन गिवन है ये हमारा सॉप फॉर्म में गिवन है और पूछा क्या है इसका पॉस फॉर्म. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप क्या करोगे, के मैप पे प्लॉट कर लोगे, ठीक है? तो ये फोर वेरिएबल के मैप है, तो हमने एक फोर वेरिएबल के मैप लिया. इस एक्सेस पर मैंने ए भी लिया, यू कैन चेंज एक्सेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. 00 01 11 10 00 01 11 10, ठीक. तो ये हमने फोर वेरिएबल के मैप लिया. नाउ जो वैल्यूज गिवन है उसे प्लॉट करेंगे. तो प्लीज रिमेंबर ये जो एक्सप्रेशन है समेशन सॉप फंक्शन, सॉप एक्सप्रेशन में जो मीन टर्म्स होते हैं वहां हम क्या पुट करते हैं, वन. तो फर्स्ट है क्या, फोर मीन्स यहां वन आएगा, देन है सिक्स मीन्स यहां वन आएगा, देन है एट एट, देन टेन, देन है इलेवन मीन्स यहां, देन ट्वेल्व एंड देन फिफ्टीन. क्या है, फोर सिक्स एट 10, 11, 12, 15. Now don't care plot करने हैं, don't care. First don't care at 3, then 5, then 7 and then 9. ठीक. Now ये तो हमने plotting कर ली जो expression given है उसकी. But इसमें पूछा क्या है, implement the minimized POS expression. POS expression चाहिए और POS expression में हम किसको minimize करते हैं, किसको pair up करते हैं, zeros को. तो जहां पर भी blank places है वहां पर क्या आएगा, zero. These are मैक्स टर्म्स. जो खाली प्लेसेस थे हमने वहां क्या प्लॉट किया, जीरो, और वो हमारे मैक्स टर्म हो गए. अब जब हमें पॉस का मिनिमाइज एक्सप्रेशन करना है तो हमें मैक्स टर्म को कवर करना है, मीन टर्म को नहीं. नाउ मैक्स टर्म मींस जीरोस. तो देखो सबसे पहला आपका जो क्वाड बन रहा है दिस वन, ये फोर का एक क्वाड बनेगा, ठीक. नाउ अगर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो इस क्वाड से क्या मिला, चारों कॉलम यूज हो गए, मीन्स कॉलम से अब कुछ नहीं आएगा. रो क्या है, जीरो जीरो. और पॉस के केस में जीरो को हम कैसे लिखते हैं, विदाउट बार, और अगर वन होता तो उसको विथ बार. तो यहां जीरो जीरो है मींस ये क्या होगा, ए प्लस बी, बिकॉज ए एंड बी बोथ की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो. नाउ नेक्स्ट, इस नेक्स्ट टर्म को कवर करने के लिए दिस क्वाड इज पॉसिबल, ठीक है. ये क्वाड बनाया तो यहां से क्या आएगा, ऑल फोर रो यूज हो गई, तो रो नहीं देखनी, कॉलम देखना है. कॉलम से क्या आ रहा है, जीरो वन, सी के लिए जीरो है मीन्स सी, D के लिए 1 है means D bar, जो 1 होगा उसमें bar, जो 0 होगा that will be without bar. Now 1 next term is left, this 0, ये किसी के साथ pair up नहीं हो सकता because इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, और diagonally इसके साथ क्या है, cross, तो diagonally तो बनता नहीं, तो हम इसको क्या लेंगे, single. जब हमने इसको single लिया तो इसके लिए क्या आएगा, row से AB की value क्या है, 1 1 means A bar plus B bar, column से क्या है, C की value 1 means C bar, D की value 0 means डी. तो दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, पॉस एक्सप्रेशन. तो क्या हो जाएगा फंक्शन, एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी सी प्लस डी बार, और थर्ड है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी. नाउ अब इसमें इंप्लीमेंट करने को बोला है बट ये नहीं बोला कि किस गेट से करना है, तो हम इसको सिंपल बेसिक गेट से कर देते हैं. कितने वेरिएबल्स है, ए बी सी डी, करेक्ट. This line for A, this for B, this for C, this for D. ठीक है, A bar चाहिए, not gate लगाया, ये A bar की line हो गई, not gate लगाया, this is for B bar, यहाँ not gate use किया, this is for C bar, and यहाँ not gate use किया, this is for D bar. Done. Now, अब यहाँ पर कितने और के terms है, 1, 2, 3, means 3 और gates लगेंगे, 1, 2, and 3, और ये सभी क्या हो रहे हैं, एक साथ प्रोडक्ट हो रहे हैं, मींस एंड होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम चाहिए ना हमें, ये हमने सम के टर्म्स का प्रोडक्ट किया तो यहां हमें फाइनली एफ मिला. नाउ कनेक्शन करते हैं, फर्स्ट के लिए चाहिए ए प्लस बी मींस ए और यहां से बी, डन. सेकंड में चाहिए सी प्लस डी बार, दिस लाइन फॉर सी, दिस लाइन फॉर डी बार, डन. नाउ यहां देखो फर्स्ट है ए बार कनेक्ट किया, बी बार, ये बी बार कनेक्ट कर दिया, देन है सी बार, ये सी बार कनेक्ट कर दिया, लास्ट इज डी,
तो ये डिकनेक्ट कर दिया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है क्या था? पॉस्ट एक्सप्रेशन। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है हमें सॉल्व फॉर्म में। तो नाउ यू कैन सी कि यहां ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, मींस दिस इज फोर वेरिएबल फंक्शन। तो हम सबसे पहले ये जो फंक्शन गिवन है पॉस का, इसको के मैप पे प्लॉट करेंगे। के मैप पे प्लॉट करेंगे फोर वेरिएबल के मैप पे। देखो एक तो तरीका है कि पहले आप इसको स्टैंडर्ड पॉस फॉर्म में लिखो, बट दैट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस बिकॉज ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का आया था, तो हम बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं दे सकते। तो हम डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को के मैप पे प्लॉट करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ पॉस फॉर्म का है। पॉस फॉर्म मीन्स बार जब होगा तो 1 और विदाउट बार होगा तो 0। तो मीन्स इसके लिए क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गई 1 और बी की वैल्यू क्या हो गई 0। सी एंड डी नहीं दे रखा है, मींस सी एंड डी के ऑल कॉम्बिनेशन। तो हमें सिर्फ रो देखनी है कौन सी, 1 0 मींस दिस वन। तो हम यहां पर क्या पुट करेंगे, 0 बिकॉज दिस इज पॉस एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्या है, ए की वैल्यू क्या है यहां पर 1 और सी की वैल्यू क्या है 0 और बी और डी के सारी वैल्यूज आएंगी। ए की वैल्यू 1 कहां है, ए की वैल्यू 1 इन दो रोज में है। सी की वैल्यू 0 कहां है, सी की वैल्यू इन दो कॉलम्स में 0 है। मींस जो प्लॉटिंग होगी ये दो रो और ये दो कॉलम्स जहां इंटरसेक्ट करेंगे तो ये होंगे ये 4 स्क्वायर्स। तो यहां पर 0 0 और प्लॉट कर दिया बिकॉज यहां तो ऑलरेडी प्लॉटेड था, ठीक है। नाउ लास्ट, लास्ट में क्या है, सी की वैल्यू भी 0 और डी की वैल्यू भी 0 बिकॉज दोनों विदाउट बार है। सी एंड डी दोनों ही 0 है, मींस कहां होगा यहां पर, सी एंड डी बोथ 0 और रो सारी इन्वॉल्व होंगी। तो हम यहां क्या पुट करेंगे, 0। अब यहां क्या होगा, 0। नाउ अब क्वेश्चन क्या था, फाइंड सॉप एक्सप्रेशन। तो सॉप एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो जो भी ब्लैंक सेल्स है वहां पर क्या पुट होगा, 1 मींस 1 1 1 1 1 1 1 1। नाउ अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मीन टर्म्स को एक साथ कवर करने की। तो सबसे पहला हमारा 10 1, ये क्वाड बना, ठीक है। और इस क्वाड के लिए जो वैल्यू आएगी, इन दोनों रो से क्या कॉमन है, 0। अब याद रखना हम सॉप का बना रहे हैं, 0 है मींस ए बार, क्योंकि वो 0 ए का है। इन दोनों कॉलम से क्या कॉमन है, 1 और वो 1 किसका है, डी का, तो ए बार डी, ठीक। नाउ अब नीचे के दो मीन टर्म्स को कवर करना है, ये क्वाड बना, इस क्वाड से क्या आएगा, ये दो रो यूज हुई, क्या कॉमन है 1, वो 1 किसका है, बी का, तो यहां क्या आएगा, बी। ये दोनों कॉलम से क्या कॉमन है, 1, वो 1 किसका है, सी का, तो बी सी। नाउ दिस मीन टर्म इज लेफ्ट, तो इसको कवर करने के लिए हमने एक और क्वाड बनाया, ठीक है, ये क्वाड बना। तो नाउ इसके लिए क्या आ जाएगा, ये दोनों रो से ए की वैल्यू 0 मींस ए बार, ये दोनों कॉलम से सी की वैल्यू 1 मींस ए बार सी। तो नाउ फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू ए बार डी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। एंड यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।